daily show with Muneer Memon. अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। पाकिस्तान की सियासत में सियासी दर्जा हरारत तो अपने उरूज पे नजर आता है, लेकिन यहाँ पे एक बड़ा सवाल है कि कौन दोस्त और कौन दुश्मन रहेगा। उतार चढ़ाव के और इक्तदार की इस जंग में आखिर कौन ये अपनी कश्ती को पार करने में कामयाब हो जाएगा और कौन हाथ मिलता रह जाएगा। सूबाई असम्बलियों की तहलील के हवाले से जो खान साहब ने गुज़श्ता रोज़ गुफ्तगू की और अपनी तकरीर के दौरान एक अल्टीमेटम दिया कि वो बहुत जल्द सूबाई असम्बलियाँ तहलील करने जा रहे हैं, यानी कि 23 तारीख को ये सूबाई असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएंगी और उसके बाद पंजाब और KPK में इलेक्शंस का माहौल सरगर्म हो जाएगा। इस ऐलान का होना था कि पाकिस्तान से लेकर लंदन तक एक खलबली मच गई और कोशिश की जा रही है कि पंजाब की असेंबली को किसी तौर पे बरकरार रखा जाए। पाकिस्तान की सियासत में पंजाब की सियासत बहुत अहम है, क्योंकि ये देखने में आया कि आज तक पंजाब में जो भी बरसर इक्तदार रहा, जिसको पंजाब ने कबूल किया, वो पाकिस्तान के हुक्मरानी का साथ ताज सर पर सजाने में कामयाब रहा। इस माहौल में आगे क्या होने जा रहा है और सियासत के मैदान से अब क्या खबरें हैं, अंदर की बातें क्या हैं, राज और न्यास की क्या गुफ्तगू है और पसे पर्दा हकाइक क्या है, उसके ऊपर बात करेंगे। आज हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करें सीनियर साहब तजियाकार जनाब जहांगीर सईद साहब। जहांगीर साहब, सबसे पहले तो आपको अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद कहेंगे आपको स्टूडियो में। जहांगीर साहब, ये जो सियासत का जो हम देख रहे हैं माहौल है, तब्दील हो रहा है, कोई इधर से जवाबी कार्रवाई, कोई उधर से आसाब की जंग, अब ये जो ऊंट क्या किसी करवट बैठता हुआ नजर आ रहा है या पंजाब असेंबली तहलील होना अब तय है? देखिए, आपने अगर इसको ऊंट करार दिया तो उसकी कोई कल सीधी नहीं है, बिल्कुल ठीक ठीक कह दिया, बिल्कुल सही। इस सियासत की, जिसको आप सियासत कह सकते हैं, 7 मरतबा सियाही के दब्बे इस पे लगे होंगे तो यहाँ की सियासत बनी होगी, और आप इसको ऊंट करार देते हैं तो मैं ये भी बता दूं कि उसकी कोई कल सीधी नहीं है, समझें, और हमारी सियासत की भी कोई कल सीधी नहीं है। सही। ये क्या कहते हैं, बड़ी दिलचस्प बात आप बताऊं, ये कहते हैं हम सियासतदान है, और सियासतदान है और तवक्का रखते हैं कि जो सियासतदान नहीं है, जो है मुल्क की हिफाजत की, उसकी जोग्राफियाई हदूद की हिफाजत की अलमबरदार हैं, जिम्मेदार हैं, उसको हमारे साथ मिला लिया जाए। भाई आपने और इतराफ करते हैं आप, इतराफ है मुजरमाना, ये इतराफ है मुजरम, अपने जुर्म का इतराफ कर रहे हैं, टीवी पे बैठ के इतराफ कर रहे हैं के इतराफ किया है कि देखें, एक बात ये सियासतदान जरूर थे, लेकिन ये जो है पंसारी का जो डोंडा वही लगा रहा उसकी लाइन में सारी जिंदगी। ये देखें, आप जिसका जो काम है, अगर आप उनको नसीहतें करते रहते हैं कि उन्होंने मुदाखलत की, तो आप भी तो कशकोल नहीं कि उन्हीं के दर पर नजर आते हैं। लेकिन जांगे से अगर चले ऊंट पे तस्करा कर ले, ऊंट की फितरत ये भी तो है ना कि वो बैकअप प्लान तैयार रखता है। हमारे सियासतदानों ने भी बैकअप प्लान तो तैयार किए हुए ना। अगर हम देखें कि जब ये ऐलान होता है उसके बाद काफी सारे किरदार अहम हो जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा किरदार जो शख्स सामने आ रहा है वो काफ लीग का आ रहा है। काफ लीग जो कि शायद आज से कुछ अरसा पहले तक इतनी अहम नहीं समझी जाती थी, एक चंद सीटों के ऊपर उनके ऊपर वो क्यादत भी थी, लेकिन अब काफ लीग का जो रोल है और गुजरते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है, जहां काफ लीग की ख्वाहिश और भरपूर ख्वाहिश कहा जा सकता है कि है कि ये असेंबलियां अपनी मुद्दत पूरी करें, तो वहीं पे खान साहब ने एक नहले पे दहला कह दें कि मार दिया और कहा यह जा रहा है कि अब असेंबलियों की मुद्दत पूरी नहीं होगी और जल्द इस्तीफे दे के ये असेंबलियां तहलील की जाएंगी। अब इसके बाद काफ लीग आगे क्या करने जा रही है, ये बताएं सर। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, प्लानिंग है, इतने वक्त है, अपॉर्चुनिस्ट है, समझे ना, जो टाइम ऑफ जो है ना, टाइम के साथ बेटे हैं, समझे ना, वक्त के फर्जंद है, फर्जंद वक्त है, जैसा वक्त होगा फर्जंद वैसी उसी रुख पर जाएगा। ये सारी चीजें किसको आप कह रहे हैं, क्या करदार है कि क्या आप किसकी मिसाल आप देना चाह रहे हैं? अब देखें, एक बात यह है कि सबसे पहले इसकी मालूम है क्या कहना चाह रहे हैं, ये देखिए, कोई भी देखते हैं ये इंडोर्स कर रहे हैं कि यहाँ जमहूरियत नहीं, यहाँ जो है या तो मार्शल्ला है या जो है ये इनको मार्शल्ला की ताकत दे दी जाए और मार्शल्ला के कवानीन के तहत ये जीते रहें और ये आइन के और जो खुद मुख्तारी और जमहूरियत और आजादी इजहार, आजादी सियासत भाड़ में जाए
अरे जिस चीज के पर जिस टोकन पर तुम काम कर रहे हो, जो तुम्हारी अलामत है, तुम्हारी निशानी है, उसके खिलाफ कैसे बोल देते हैं यार? जागीर साहब, हमारी सियासत में तो आम बात है कि पहले हम कहते हैं मार्शल लॉ, फिर हम कहते हैं डिक्टेटर, फिर हम मुख्तलिफ अलकाबात से नवाजते हैं, फिर उन्हीं के दर पे जाके हम फरियाद भी करते हैं। सर ये रिवायत कब खत्म होगी? और दूसरी बात सर मुझे ये तो बताएं, चलें ये बात हुई कि हमारे यहाँ पे ये किरदार रहा या क्या किरदार रहा, मैं क्या अल्फाज इस्तेमाल करूं, लेकिन ये जरा समझाएं कि अभी जो मौजूदा सिनेरियो में ये क्यों इस तरह से हो रहा है कि हर रोज यही तस्करा होता है कि उन्होंने कह दिया कि साथ हो जाए, उन्होंने कह दिया तो अलग हो जाए, उन्होंने कहा तो केसेस माफ हो जाए, उन्होंने कहा तो केसेस में तेजी लाई जाए। सर ये क्या मामला हो रहा है और अब हो रहा है? मुनीर मेमन साहब, एक बात आप सुने समझें, एक खुशफहमी से पैदा हो गई थी कि ए पॉलिटिकल हो गई है, जो ना हमारी इस्टेब्लिशमेंट, जो हमारे जनरल्स हैं, वो जो है बाजवा साहब को ने तो ये कहा था कि वो पहले से हो गई है, फरवरी से हो गई है, लेकिन अब ये ऐसा लगता है उनके दोस्तों ने नफी कर दी है। उनके दोस्त तो ये कह रहे हैं मोनिस इलाही साहब काफली वाले कि बाजवा साहब तो अभी भी रابطے में है और वो तो आज भी हम तरीके साहब के साथ उन्हीं की वजह से हैं। और दूसरी बात ये है कि जनरल हमीद के बारे में भी, फैज हमीद के बारे में भी यही कहा जा रहा है कि उनकी भी कहीं ना कहीं अवेलेबिलिटी है, ये तासुर दिया जाता है कि वो इमरान खान की जो है अभी भी जो कहीं ना कहीं मददगार और माविन के तौर पर काम कर रहे हैं, उनका जहन रसा जिसे कहते हैं ना, उसको रसाई नई नई ख्यालात और नई नए तो वो आते हैं, वो उसकी बेहतरीन सलाहियतें उनको फराहम कर रहे हैं। और यहाँ को कॉन्टेक्ट जाते हैं हमारे आप मुनीर साहब, हमारे आसिम मुनीर साहब, अब इनको आप ये देखें कि इनकी तरफ से कोई जाहिर है कि तब्दील क्यों आ गई भाई, जिन्होंने तो कह दिया कि हम पॉलिटिकल, हमसे कोई तवक्का नहीं रखी जाए, लेकिन अंदर लेकिन जाके से चल मैं बता रहे हैं कि ये जो सियासत वैसत नहीं हो रही है अभी भी जो है ना, सर सियासत नहीं हो रही है लेकिन कुछ और तो हो रहा है ना। लेकिन मुझे एक बात बताएं, हमने दो दिन पहले एक मंजर देखा, बड़ा इंटरेस्टिंग था। तहरीक इंसाफ के सरबराह खान साहब जलसे से खिताब कर रहे थे और ऑनलाइन वो मौजूद थे, जिसमें महमूद खान साहब उनके बाएं जानेब सीएम केपी के और दाएं जानेब उन्होंने बिठाया था परवेज इलाही साहब को, और ये तासर देने की कोशिश की गई कि जो ये बातें चल रही हैं कि शायद परवेज इलाही साहब और तहरीक इंसाफ एक पेज पे है या नहीं है, वो तासर जाहिर करने की कोशिश की गई कि ये सारी जमातें एक पेज पे हैं, ये सारा मामला बहुत जल्द सेटल हो जाएगा। लेकिन उसके बाद जब खान साहब ने तकरीर में तनकीदी पहलू को उजागर किया, जब तनकीद की, तो वो शायद परवेज इलाही साहब के जो तासुरात थे तब्दील हुए, जिसको कैमरे की आंख ने भी देखा, जिसको देखने वालों ने भी देखा, और उसके बाद खुद परवेज इलाही साहब ने इस बात का तस्करा भी किया कि अब तनकीद बर्दाश्त नहीं होगी, अब अगर तनकीद की तो आज मैं कह रहा हूं कल पूरी जमात कहेगी। यहां भी एक बड़ा अलमिया है, आप ये देखें कि एक बयानिया बनाता है, नैरेटिव बनाता है और वो जो है उसके ऊपर सियासत करता है। इमरान खान को आप यू टर्न कहें, डब्ल्यू टर्न कहें, जो चाहें कहें, लेकिन आप ये देखें कि उसने एक बयान ये बनाया है कि उसको पहले अमेरिका के बारे में बनाया था, ये बात ठीक है, अभी उसकी विड्रॉल है, उससे हट गया, अब उसने जो है बाजवा साहब को उसने निशाने पे लिया है। लेकिन मसला ये है कि जिसके साथ आप खड़े हैं, जिसको आप वोट देने का कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, एक ही सफ में है, महमूद अयाज, ये तो अयाज भी नहीं है, वो तो वफादार था, समझा, तो आप उधर वो करते हैं और वहां जो देखें अंदर की बात अगर कोई कह दे तो वो घर का राजदार है, वो वफादार है, ये इमरान खान के वफादार हैं, ये जमहूरियत के वफादार हैं, परस्तार हैं, दोस्त है ना, वफादारी थोड़ी दोस्ती है। दोस्ती कैसे यार, दोस्ती काय की होती है, उसूल में दोस्ती होती है सर, दोस्ती है, देखे ना कितनी अच्छी दोस्ती है भाई। अगर एक जज है, आप वो दोस्ती करने लग जाए तो आप उसको मानते नहीं है, पता नहीं क्या क्या इल्जाम आते हैं। जज की दोस्ती नहीं होती ना, अरे जज जब बेंच अगर एक लेफ्टिनेंट जनरल आता है अगर वो किसी का फेवर करता है तो कहते हैं यार ये तो जो है वो कुछ और कर रहा है, उसकी भी तो दोस्ती हो सकती है ना, तो दोस्तियां हैं। आपने दोस्ती का तस्करा किया, एक दोस्ती है जो बाजार नजर आती है काफ लीग की एस्टेब्लिशमेंट के साथ, और तासुर भी है कि काफ लीग प्रो
प्रो एस्टैब्लिशमेंट जमात है, खुद काफलिंग ने अक्सर इस बात का इशारा भी दिया और ये बात भी कही कि अगर आम खान साहब के साथ हुए तो इसके पीछे बाजवा साहब का हाथ था, बाजवा साहब ने कहा तो हम खान साहब एक वजह से ऐसा कर रहे हैं भाई साहब। सर लेकिन क्यों मुझे बताया ना, बाजवा साहब एस्टैब्लिशमेंट की जो ना हाफिज सर ये दोस्ती निभाई जा रही है, दोस्ती के आगे कुछ और पॉलिसी एक नजर आ रही है अब तक जो नजर आ रही है, और उन्होंने कहा कि हम सियासत में नहीं आएंगे, इसलिए वो उसकी क्लेरिफिकेशन भी एक सियासत है ना। अब उस एहतियात के साथ वो वजाहत नहीं कर रहे हैं और इस वजाहत से सारे दोनों तरफ लेकिन जाहिर से मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ, मुझे बताएं काफ लीग, अगर मैं इस वक्त बाजवा साहब की बात करूं, काफ लीग कहती है कि हम बाजवा साहब के हवाले से कुछ बात नहीं गलत सुनेंगे, वो ये कहते हैं कि बाजवा साहब ने हमें तरीके इंसाफ को लम्हे पे सपोर्ट किया, आखिर वक्त तक सपोर्ट किया, लेकिन बाजवा साहब का खुद ये कहना रहा कि वो गुमनामी की जिंदगी चाहते हैं। सर वो हर वो बात जो वो नहीं चाहते थे वो उनके खुद के दोस्त काफ लीग वाले वो कर रहे हैं। सर ये कौन सी दोस्ती हुई, क्या बाजवा साहब ये नहीं देख रहे होंगे कि मैंने एक नादान दोस्त से दोस्ती कर ली है। एक शेर है वो गलत हो या सही हो मैं उसकी इतना ज्यादा याद नहीं है, हुए जिसके तुम दुश्मन उसका दुश्मन आसमान क्यों, आसमान से बलाएं गिरना है उसके लिए जरूरी नहीं है, वो काफी है उसका होना किसी के साथ अटैच होना, वो दुश्मन समझ लिया आसमान को जरूरत नहीं कि वो उस पर आफत और नाजिल करे, वही आफत बन के टूट पड़ता है। यहाँ तो ये हो रहा है काय की दोस्ती, ये मुल्क कहाँ जा रहे हैं, ये आप कहीं आपको लगता परवेज इलाही साहब ने दोस्ती निभाई है, कब की दोस्ती, कौन सी दोस्ती, किससे दोस्ती। वो तो बाबा में धौल कह रहे हैं कि अब हम बाजवा साहब के हवाले से कोई बात नहीं सुनेंगे, हम एस्टैब्लिशमेंट के किरदार के ऊपर बात नहीं सुनेंगे, फिर वो खुद भी दोस्ती की आप पता नहीं कौन सी बातें करते हैं। हमारे मजहब में बड़ा जबरदस्त एक उसूल दिया, एक रुख पे नमाज पढ़ो, खाना खाबे की तरफ मुंह करो, अपने वजूद को उधर रखो, उसको स्टैंडिंग है उसको नस्ब करो, एन के सामने नस्बुलैन बना उसको कि खुदा है और उसके सामने मैं खड़ा हूँ। अगर आपको ये इजाज़त दे दी जाए आप लम्हे लम्हे में एक दो सलाम फेरेंगे दूसरा सलाम फेरेंगे कि आप कभी इधर रुख होगा कभी इधर रुख होगा इधर, ये तो मुनाफिकत है सर, ये कहाँ कौन से सियासत में मुनाफिकत का काम है सर। देखिए नजरिए जरूरत भी कोई चीज़ है ना, नजरिए जरूरत ये है कि आप नजरिए जरूरत में कितनी सफा की और कितनी अच्छा चले, अगर नजरिए जरूरत में तो गुनाह है, अगर आप दूसरे शोबे में चले जाए और जिस पे मना किया गया है आप उसको इख्तियार कर दें जो तो आप जो है नजरिए जरूरत। मैं एक और सवाल कर लेता हूँ इसी से जुड़ा हुआ, अगर आज सीएम पंजाब जी परवेज इलाही साहब रह जाते हैं और पीछे जो सपोर्ट है वो तरीके साहब की जगह पीडीएम का हो जाता है, शहबाज शरीफ साहब का हो जाता है, जरदारी साहब का हो जाता है, तो ये भी गलत होगा क्या? अब आप हंसते हैं ना, मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब ये है कि जो निगार खाना है रक्सगाह है वहां तो ये हो या वो हो रकासा तो एक ही है सर जो नाच रही है किसी न किसी। चले इसी के ऊपर मैं एक ब्रेक ले लूं क्योंकि ये आपने मौजू ऐसा छेड़ दिया ना, इसके ऊपर थोड़ा तफसील। मामूली बात नहीं, ये मैं रक्स किसी किरदार खुशी के मानों में नहीं बोल रहा हूँ, अब रक्स है आपको इधर करना है या इधर करना है, कहीं ना कहीं तो करना है ना, ये सियासत है हमारी, इसी को तो सियाह कर रहा हूँ मैं कह रहा हूँ। चले इसके ऊपर बात करते हैं और ये भी जरा तस्करा करेंगे कि इस वक्त जो कोशिशें की जा रही हैं, यकीन दिहानियां ली जा रही हैं और कोशिश की जा रही है कि परवेज इलाही साहब अगर वजीर आला पंजाब ही मुकर्रर रहे और वो वजीर आला पंजाब पीडीएम की जानिब से मुकर्रर हो जाए तो क्या इसमें कोई मुमकिनात पाए जाते हैं? चौधरी शुजात का जो इसमें किरदार है वो क्या होने जा रहा है आने वाले दिनों में, जो क्या अब कहा जा सकता है अब से 3 से 4 दिन बाद तहरीक इंसाफ ये असेंबलियां तहलील करने के जो बात कर रही है, क्या इसमें कामयाब होती नजर आएगी या नहीं, इसके ऊपर बात करेंगे। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन, आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद करते हैं। तस्करा हो रहा है कि पंजाब और केपीके की असेंबलियां जो खान साहब ने तहलील करने का इशारा दे दिया और यकीन दहानी करा दी कि जुम्मे के रोज ये असेंबलियां तहलील कर दी जाएंगी, इसके ऊपर सवालात उठाए जा रहे हैं और जहां पे पीडीएम की जमातें ये कह रही हैं कि अगर जुम्मे तक का ही इंतजार था तो ये काम 2 दिन बाद भी किया जा सकता था।
लेकिन अब चूंकि ये ऐलान हो चुका, इस ऐलान के बाद वैसे उस वक्त तो ये बात नहीं कही गई, लेकिन अब ये बात हो रही है कि शायद जुम्मे को ये असेंबलियां तहलील करने का जो मामला है वो मुश्किल में पड़ सकता है। परवेज इलाही साहब के गुज़श्ता इंटरव्यूज और उनके बयान आज इस बात की तरफ इशारा जो कर रहे हैं कि वो किसी भी तौर पे खुश नहीं और मुतमईन नहीं असेंबलियों को तहलील करने के हवाले से, और उनका जो स्टैंड है असेंबलियों के हवाले से वो काफी ज्यादा मुख्तलिफ नजर आता है। आने वाले दिनों में क्या ये मुमकिन हो सकेगा या नहीं, इसके ऊपर बात करेंगे। और अगर तो असेंबलियां तहलील हो जाती हैं तो उसके असरात क्या होंगे, नून लीग क्या खोएगी क्या हारेगी, पंजाब की पॉलिटिक्स पाकिस्तान की सियासत में एक अहम किरदार अदा करती है, जिसके पास पंजाब की जो तर्जुमानी आ जाती है, पंजाब का ताज सर पर सज जाता है, उसके पास पाकिस्तान की हुक्मरानी का ताज भी सजता दिखाई देता है, और आमतौर पर यही देखा गया। जाहिर साहब पहला सवाल जरा ये बताएं कि जुम्मे तक का वक्त दिया गया, तहरीक इंसाफ की जानब से ये असेंबलियां तहलील करने के लिए 3-4-5 दिन का जो वक्त दिया गया इजाफी, इसके पीछे आपको क्या लॉजिक समझ आई, क्या बात समझ आती है कि हो सकता था कि इसको पीर के दिन इंप्लीमेंट कर दिया जाता, उसी दिन कुछ काम किया जा सकता था। परवेज इलाही ने खूब बातें की है ना, जो है वो आज तो उन्हीं की बातें चल रही हैं। नहीं, उसी की बात कर रहे हैं, मैं उसी की एक मिसाल में दे रहा हूँ, वरना फिर हम पीछे की तरफ चले जाते हैं। आप ये कह रहे हैं कि परवेज इलाही ने कहा कि हमने तो 12 दिन मांगे थे और इन्होंने 6 दिन दिए। आप आधे आधे तो हैं, आधे उनकी तरफ हैं आधे उनकी तरफ हैं हुकूमत के इत्तेहाद में, तो आपकी बात तो मान के ये तासुर नहीं दिया जा सकता था आपको कि आप वफादार हैं। सही। आपको भी बता दिया और आप भी चीख पड़े, मतलब परवेज इलाही की बात कर रहा हूँ, चीख पड़े। वो अपने भाई को भी लिया उनके साथ जमा दें, नमाज जुमा भी पढ़ ली और उन्होंने तैयारी भी कर ली कि वो हमारी गारंटी दे देंगे, ये तासुर दे दिया कि वो हमारी गारंटी दे देंगे तो हम पीटीएम के साथ हो जाएंगे, ये सारी चीज़ें उन्होंने की है। अब आपका सवाल ये है कि ये जो होगा ये तोड़ेंगे क्या, होगा ये टूटेंगी क्या परवेज इलाही साहब, फिर आखिरी वक्त पे कुछ ऐसा है इनके पास कि असेंबलियां तोड़ने से बचा सके। देखिए मतलब बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है, परवेज इलाही साहब का गेम देखें, परवेज इलाही इसके माहिर हैं और परवेज इलाही ये सब कुछ कर सकते थे, इसका हुकूमती इत्तेहाद को बहुत फ़ायदा होगा। अभी से उन्होंने खिदमत शुरू कर दी है, वो क्या कर दी है, अभी जो वजीर आला बने थे ये जब, और जो इनको चोट भी लगी थी हाथ में जी जी। और इसमें बददुआएं भी दी उन्होंने बैठ के कि इनका बेड़ा वगैरह को इन्होंने मुझे चोट लगा दी, पूरा भयो कौम जख्मी हो रही है, बहरहाल उन्होंने हमदर्दियाँ तो अपने लोगों से हासिल की होगी। अब ये सारी करने के बाद अब ये कह रहे हैं, अब ये कशाकशी, इसे कहते हैं कश मकश, कश कहते हैं कशीदन इधर खींचने को और मकश कहते हैं इधर खींचने को। अब ये कशमकश शुरू करके ये वो खिदमत अंजाम देंगे जनाब परवेज इलाही साहब किसको देंगे, कायम रहे कि ये इनको 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 रुला देंगे वो, ये जो ना इमरान खान को के इत्तेहाद को जो भी है उसको कह रहे हैं मैं लिख के दे चुका हूँ, ये तो नहीं यार देखें तो सही यार, अगर यही जवाब आपका पास है तो फिर आगे बात क्या बढ़ी। वो ये करेंगे कि इस धमा चौकड़ी में जिस तरह पे वो कितनी, फिर ये अभी कोर्ट में भी जाएगा कि यूं भी होगा, फिर वो 4 महीने यूं गुजर जाएंगे, 4 महीने की मुद्दत है, 4-3 उसके बाद 3 महीने की एक्सटेंशन है, एक मार्जिन ऑफ टाइम है कि वो होगा, फिर जो है वो मजीद ये पीछे चले जाएंगे, फिर नया इत्तेहाद आएगा, हुकूमत के पास इलेक्शन आ जाएंगे, इलेक्शन की वजह से ये लोग भी अपनी वोटिंग के लिए जाएंगे, अपनी मुहिमें चलाएंगे और उसका लगता है कि ये 6 महीने की बात करते हैं, 1.5 साल तक पहुंच साल की बात करेंगे। यही कुछ गुफ्तगु परवेज इलाही साहब ने की, परवेज इलाही साहब कह रहे हैं कि इस वक्त हुकूमत के पास ऑप्शन है कि वो अपने आखिरी साल में आके इमरजेंसी डिक्लेयर करके अपना साल को दे सकते हैं। ये कह रहे ना, उन्होंने कह दिया ना ये बात, हमने तज्जिए के तौर पर किया कि कैसे खेल होगा साहब, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं एक बात ये समझ रहा हूँ कि काफ लीग ने एक हतमी राय दे दी कि वो असेंबलियां तहलील करें, आप कह रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि गुंजाइश अभी भी बाकी है। एक बात ये कि परवेज इलाही काफ लीग में, परवेज इलाही में हतमी क्या बात है, हतमी कौन सी अच्छा, परवेज इलाही साहब के नाम मिलके गए अभी जो है ना, वो जो है पीडीएम से मिलके गए और थोड़ी देर बाद जो है उधर बैठे हुए थे वो, अरे भाई क्यों हुआ, अब बता देंगे हमें तो फौज ने भेज दिया था, हमें तो जनाब एस्टेब्लिशमेंट ने भेज दिया था, हमको तो हम तो मजबूर थे, हैं
वैसे खान साहब आप पूछेंगे नहीं कि आप हमारे पास आए तो किसके कहने पे या किसके ना कहने पे? अभी पूछा तो क्या तुम भाई कह रहे हो? हम मजबूर थे, समझे ना? वो एक जुमला है ना, वो पता नहीं ठीक है नहीं। मजबूरियां बेवजह तो नहीं होती, कोई तो वजह रही होगी। अगर मजबूर थे सिर्फ दोस्ती हो सकती, समझे? आप उम्मीदें बेगैरती की लगाएंगे तो मजबूरी कहाँ होगी? मैं डॉट्स कनेक्ट करता हूँ, चलें एक तरफ। हम ज्यादा हम लागे निकल जाएंगे। नहीं, नहीं, मुझे डॉट्स कनेक्ट करने देना। एक जाने परवेज इलाही साहब ने कहा कि जनरल फैज हमीद उनके मामलात, उनके मुकदमात में काफी ज्यादा अमल दखल देते थे, उनके लिए मुश्किलात खड़ी करते थे। परवेज इलाही साहब पर फैज हमीद साहब के जो किरदार से ज्यादा मुतमईन नहीं थे। दूसरी जानेब कोई वजह होगी तो शायद फैज हमीद साहब ने इस तरह का मामला किया होगा, अगर मैं ये समझूं। दूसरी जानेब परवेज इलाही साहब की दोस्ती रही बाजवा साहब से। तीसरी बात, बाजवा साहब के कहने पे परवेज इलाही साहब ने इकदाम किए, लेकिन तमाम तर सूरत हाल में परवेज इलाही साहब के जो मामला थे, जो केसेस थे, जो मोहनस इलाही साहब के ऊपर काफी सारी करप्शन की बात की जा रही थी, वो सारे तो पसे पर्दा चली गई। तो आखिर ये सारा खेल क्या हुआ? पसे पर्दा तो जाएगी ना, जो उस दिन तक जाएगी पसे पर्दा जब इनका मैंडेट किसी को देने के काबिल होंगे। अगर ये असेंबलियों से चले जाते हैं, इनके साथ मैंडेट ही छिन जाता है तो इनका को क्या रेट लगेगा? सही, अभी दस ही है ना पास। तो चाहते तो ये ना कि मैंडेट रहे, परवेज इलाही साहब की पॉलिसी ही होगी यार। तो उन्होंने तो कह दिया है, उन्होंने तो ऐसा क्लियर क्लियर बता दिया है भाई, आप तो दो चार दिन की बात नहीं करो, ये तो साल दो साल का किस्सा है। अच्छा, साल दो साल, मुझे एक बात बता, फाइनल मुझे क्लियर कर। इस वक्त काफ लीग के पास ये ऑप्शन मौजूद है कि तरीके इंसाफ के साथ रहते हुए कम से कम 4 से 6 माह ये जो असेंबलियों की मदद रहती है उसको पूरा होने दें। वेरी गुड यार, सवाल तो अब आया है ना सर, बैट पे जिसे कहते हैं ना। हाँ, बिल्कुल फुटपाथ के बिल्कुल करीब है। हाफ वॉली दी मैंने आपको। नहीं, हाफ वॉली नहीं, आपने तो यॉर्कर मारी, मेरे पांव पे मारी है। अब मैं संभाल के खेलता हूँ उसको। सर मैं कह रहा हूँ कि भाई साहब गेम यही है कि ये इनको ये जीने देंगे, समझे? ये क्यों नया लाइसेंस बनाने के लिए क्यों जा रहे हैं? क्योंकि ये एस्टेब्लिश की नई अथॉरिटी से इसकी वजह है कि इनको खेलना है, तंग करना है, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, कभी जो है अपने चौधरी शुजात के नाम पर गारंटी पे जाके उसको ब्लैकमेल, इनको ब्लैकमेल कर दिया, कभी इनसे कहा हमने तो पहले ही जमा करा दिया आपके पास। तीसरी बात ये कि भाई हमारे को क्या दोगे? अभी से आ गया आपने परवेज इलाही भी क्या कह दिया? अरे भाई आप तोड़वा रहे हो, हमको क्या दोगे? मुझे मुझे 10 सीटों पे ये क्या चाहते हैं? 100 सीटें चाहते हैं? मैं दे सकते आपने इंजॉय कर लिया है, आपने जो है इतने दिन हुआ वजीर आला बन के आपने मजे किए, अब आप मजीद क्या चाहते हो? सर मेरा मेरा एक तासुर है, और हो सकता है मैं गलत हूँ, करेक्ट कीजिएगा मुझे जी। क्या परवेज इलाही साहब ये जो सारी बातें कर रहे हैं कि एक वक्त में खान साहब के जो स्टेटमेंट है उसकी नफी करते हैं, फिर खान साहब से मुलाकात हो रही होती है, फिर कभी इधर मुलाकात तो कभी उधर मुलाकात, क्या ये सारी कोशिशें इसलिए की जा रही है कि शायद परवेज इलाही साहब को ये इम्कान हो, ये उम्मीद हो कि आने वाली बारी में 10 की जगह 20 या 25 सीट या 18 से 20 सीट परवेज इलाही साहब सीट एडजस्टमेंट के तहत ले सकते हैं? ये आपको लगता है कि होता हुआ नजर आ रहा है कि ये ख्वाहिश हो सकती है? इमरान साहब की भी तारीफ करनी पड़ेगी कि उन्होंने जिस तरीके से हुकूमत की और जो है जनरल बाजवा की उन्होंने मजे भी लिए, और उसके बाद जो है वो अब क्रंच आ गई, वो करकराहट आ गई, बुरे लगने लगे, अब मजे की बात है ये भी वक्त आ गया। आके वो कह रहे हैं यार साहब आप नो, हम तो आपसे हुकूमत करने आए थे, हम वजीर आला हैं, हमने पूरा वो पंजाब बचाया हुआ है, हमने तरक्की की हुई है, हमने जो है तरक्याती प्रोग्राम वहाँ शुरू किए हुए हैं, हमें आपको आप ही के इलेक्शन बड़े पैमाने पे जीतोगे, आप मकबूलियत है, मकबूल भी नहीं है आप बल्कि कबूल है वहाँ के लोगों से, मकबूलियत और कबूलियत के दोनों मेहरात उन्होंने बता दिए कि तुम्हारे हाथ में। भाई ऐसा नहीं करो, हमको तरक्याती काम कराने दो, हम तुम्हारे साथ रहें, हमको कुछ दे देना थोड़ा सा। प्लस की काफी ज्यादा बुराई की है आप इस तरह की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं इस तरफ की बात भी उस तरफ की बात भी। भाई देखें, इन्होंने इस इंस्टीट्यूशन से जिसे सियासत का इंस्टीट्यूशन सीखा है, सबने किया है कि आप जो है अपने मतलब के लिए आप उसको कशाकशी में रखे, उसको लालच भी दे, उसके साथ डंडा भी रखे, उसके साथ गाजर भी रखे। अच्छा चल, मुझे ब्रेक पे जाए, मुझे एक सवाल का जवाब दो मुख्तसर सा, फिर मैं ब्रेक पे जाऊंगा। मुझे बता दें कि क्या पंजाब और केपीके की असेंबलियां
जो तारीख खान साहब ने दी उसी तारीख के ऊपर तहलील होने जा रही है? हाँ, बड़ा क्लियर जवाब चाहिए। अब बिल्कुल क्लियर जवाब दे दूंगा, बिल्कुल क्लियर जवाब, बिल्कुल क्लियर, फिर ब्रेक पे जाना। अच्छा, मजे की बात ये है कि ये अब ऐसा ना कहेगा पहले ब्रेक ले लें, पहले जवाब मिले। देखिए, आप भी उससे पहले चोरी से चोर से के चोरी कर और शासक का होशियार। अभी दूसरी तरफ जो ना जो हुकूमत नहीं छोड़ना चाह रहे हैं या असेंबली नहीं छोड़ना चाह रहे हैं, उनके कारिंदे वो अदालतों में पहुंचे में तैयारी है पेपर के, भाई क्या हो रहा है, तो नहीं असेंबलियां तहलील होंगी, ऐसे हंगामा हो जाएंगी ना सूरत हाल, तहलील हो भी नहीं सकेंगी और इनका पत्ता भी खेल लेंगे। न तहलील होने के लिए एक प्रोसेस चाहिए, वो ये कह देंगे कि हम वो अदम एतमाद की तहरीक ला रहे हैं और ये इधर कह देंगे हमने ये डाल दिया, पहले ये आ गई, पहले ये आ गई, पहले उस कानून के मुताबिक अदम एतमाद होना चाहिए था, उसके लिए इतनी मुद्दत है, पहले हमने डाल दी, आप नहीं देते सकते, आप विड्रॉल नहीं कर सकते, तहलील नहीं कर सकते, ये खेल होगा, इसके लिए जहनी तौर पर बहुत काम हो चुका है। ये जो हमारे राजा इमरान खान है ना, राजा वो जो उनका स्टाइल है, वो ये तो समझ ही नहीं सकते कि चारों तरफ से ये टूट गए, ये समझा रहे उड़ते हुए परिंदे इधर उधर, फिर ये समझा पता नहीं कौन सी इनको इख्तदार का जब सन्यासन नजर आएगा ना, संघासन जिसे कहते हैं, वहां बैठने की तैयारी में इनको पता ही नहीं है, सब से बहुत सारी चीजें निकल चुकी है इनके नीचे से और उधर भी निकल जाएगी, इधर उड़ने तो दो परिंदों को, फिर आप देखें आसमान कैसे भरे हैं। चलिए परिंदों की परवाज के ऊपर बात करते हैं, प्रोग्राम में ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद जरा जब लौटेंगे तो ये सवाल जो रहेगा कि परवेज इलाही साहब जो कि हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा है, वजीर आला पंजाब है, वो ये बात आखिर क्यों कह रहे हैं कि हुकूमत की कोशिश होगी कि हुकूमत इस असेंबलियों की मुद्दत को एक साल तक तूल दे दे और एक इमरजेंसी डिक्लेयर करते हुए अपने जो टेन्योर है उसमें एक साल का इजाफा कर दे। ये बात परवेज इलाही साहब ने आखिर कही तो कही क्यों, इसके ऊपर बात करेंगे, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक बता सको देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन, द डेली शो विद मुनीर मेमन। प्रोग्राम में आप एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं, जरा तस्करा करते हैं कि जो असेंबलियों की मुद्दत में इजाफे की बात हो रही है, इमरजेंसी डिक्लेयर करने की बात हो रही है, ये कहा जा रहा है कि मौजूदा गवर्नमेंट के पास ये ऑप्शन मौजूद है कि वो एक साल तक अपनी असेंबलियों को एक्सटेंड कर सकते हैं, मुद्दत को एक्सटेंड कर सकते हैं, तो ये जो मामला है ये क्यों जेर बहस आ रहा है पाकिस्तान में? क्या आज से पहले ये रिवायत रही और पाकिस्तान में अब अगर ये होगा तो उसके बाद जो मौजूदा हुकूमत है क्या वो इस पोजीशन में है कि वो अपनी मुद्दत को पूरा कर सके और इत्तेहादी क्या अब फिर उनके साथ चलते दिखाई देंगे? जहीर साहब, ये सवाल बड़ा अहम है और ये मैं चाहूंगा इसका जरा तफसीली जवाब दें आप। ये एक जो ना जनरल जहन के सियासी लोग हैं और जो आमिर आए इस मुल्क में, आमिर आए, उन्होंने क्या एक्सटेंशन ली, अपने आप को जनरल भी बना लिया, बहुत सारी चीज़ें भी किए उन्होंने भी एक्सटेंशन ली, ये भी जो है एक्सटेंशन पे, ये जिस तरह इलेक्शन हुए ये एक्सटेंशन था कि आपको मौका दिया जाता है, अब आपने जो है उनकी क्वालिफाई नहीं किया तो दूसरे को दे दिया उठा के, सही, ये सूरत हाल है, ये सियासत है। अब ये अपने बल पे सियासत करने में घबराहट हो रही है इनको, अब ये चाह रहे हैं कि भाई देखो समझ लो सियासतदान बन गए हैं परवेज इलाही, जब से जो उन्होंने ऐलान किया ना सियासतदान बन गए, वही वाले जो ना इधर उधर की सियासत कर रहे हैं, गंदी सियासत। सर ये बताएं, अगर मुस्लिम लीग नून जो कि वोट को इज्जत दो के बयानी को तरजीह देती थी, जिसका ये नारा था वोट को इज्जत दो, सर क्या वो जमात अब इलेक्शन से दूर जाएगी तो फिर आवाम में क्या उसका रद्दअमल होगा, आवाम उसके बारे में क्या सोचेगी, ये तो बताएं। यार बड़ी खूबसूरत बात कह दी, अपनी बात में उसका जवाब भी रख दिया, मसला आपने कहा कि भाई वो जाएगी तो आवाम का क्या, अरे भाई उसको भी मालूम है ये कि अगर इलेक्शन में चली गई तो हुआ क्या, वो इसी की तो जो ना इसी सब जो ना वो आसमान की तरफ देख रहे हैं, सब जो है गेट की एस्टेब्लिशमेंट के गेटों पे नजर रखे हुए हैं कि कोई तो निकलेगा मददगार, कोई तो निकलेगा, हर कोई इशारे का इंतजार कर रहा है जी, हर एक कोई, हाँ यहाँ तो होता है ना अचानक जो है ना तब्दीली का, तो इसका मतलब अगर मैं ये समझूं कि इस वक्त सूरत हाल क्लियर नहीं है, गेम करना है इधर के हो या उधर के हो, सर जंगी साहब अगर इस वक्त सूरत हाल क्लियर नहीं है तो इशारा नहीं आ रहा है इसका मतलब, एक बात सियासत का हुई ये खुद बता रहे हैं, पर ये जो अपना इमरान खान भी बता रहे हैं, ये वाले भी बता रहे हैं, समझे ना, पीएम के लोग भी बता रहे हैं, एमडीएम के, और ये सब बता रहे हैं कि हमने तो सियासत की नहीं, हमें तो कोई और चला रहा था, तो सर इनको सियासत छोड़नी देनी चाहिए अगर कोई और चला रहा और चल रहे हैं तो, ये यार सियासत
पाकिस्तान की सियासत? अरे मासूम सवाल कर लिया, मैं सवाल वापस ले लेता हूँ। प्रशासन की सियासत छोड़ने वाली है और छूट सकती है, छूटती नहीं काफी। अच्छा चलिए, फिर ये अगर किसी के कहने पे चल रहे हैं तो क्यों चल लेते हैं? लो कोई तो वजह होगी ना। फिर वही बात, अब घेर घार के फिर काफिला वहीं लेके आ जाते हैं आप। भाई मैं सर एक आम आदमी तो ये सवाल कहेगा कि अगर मैं आपके इशारे पे चल रहा हूँ तो भाई मैं क्यों चलूं? भाई या तो मेरे राज है ना आपके पास, या तो मेरी कमजोरियां आपके पास है। एक आम आदमी तो यही कहेगा। मजे की बात ये है कि कमजोरियां पैदा तो इन्होंने की है ना, कमजोरी को रिकॉर्ड किसी और के पास हो एक अलग बात है, समझे ना। अगर ये हमारे गुनाहों का हिसाब रखा है फरिश्ता, तो आप हम भी फरिश्ता कहते हैं उसको, हमारी सियासी फरिश्ता है कि हमारे इसमें। अब फरिश्ता हिसाब रख रहा है ना, पकड़वाएगा तो वही। अब मजे आप डरे हुए हो, आप इतने हसास हो, अगर आखिरत के हिसाब से हसास होते तो बात भी थी। अब ये यार इतना बड़ा रिकॉर्ड है, इतना लूट मार किए, सब उनकी खबर में, और वो भी जा रहे हैं कि कब्र से, मैं ये जो ना कब्र में जाने से के बाद हिसाब होता है, ये कब्र में जाने से पहले हिसाब लेना ले लेते हैं ये वाले फरिश्ते। और तो आपको लगता है ये हिसाब किताब से डर का मामला? हाँ यार, ये किताब तो इन्होंने शायद ही पढ़ी हो या मिसयूज की हो या कहीं उससे गलत फायदा उठाया। हिसाब के आदमी है, और वो भी ये वाला दयानतदाराना हिसाब नहीं है, मतलबाना हिसाब है भाई साहब। अच्छा मैं दूसरी दफा, अगर तो ऐसे में तहलील नहीं होती जी, जो कि आपने इशारा दिया उसमें हो सकता है कुछ एक्सटेंशन हो जाए, कुछ डिले हो जाए, कुछ दीगर रुकावटें आ जाए, शायद असेंबली तहलील ना हो। अगर तो असेंबली तहलील नहीं होती और शायद बिसात पलट जाती है, तो मैं ये समझूं कि तहरीक इंसाफ के पास अब जितने भी जो चाले थी वो हाथ से निकल चुके हैं, क्योंकि लॉन्ग मार्च उन्होंने एक्सरसाइज कर लिया, आवाम को एंगेज करने की बात कर ली, जलसे कर लिए। केपी के और पंजाब की जो असेंबली है, अगर पंजाब की असेंबली उनके हाथ में रह के भी ना रही तो फिर केपी की असेंबली रह जाती है। तो टेक्निकली तहरीक इंसाफ भी एक ऐसी मुश्किल राह पे होगी कि तहरीक इंसाफ पास बड़े मुश्किल सवाल होंगे लेकिन जवाब कोई ना होगा। मुश्किल राह पे नहीं है, गुमराह राह गुम हो चुकी है, सभी की हो चुकी फिलहाल। नहीं मैं आपको ये नहीं बोल रहा, जितनी मैं बात कर रहा हूँ उसके दायरे में बात कर रहा हूँ। दूसरी तरफ आएंगे तो उनकी हम राय गिनेंगे। इसकी वजह ये है कि इनको पता नहीं, दर परवेज रशीद कुछ कहानी सुना रहे हैं, वो लोग इनके अपने लोग भी कह रहे हैं कि भाई देखो ऐसा है कि आप जो ना डिसआर्म हो जाओगे, आपकी ताकत आपकी मकबूलियत है, आप वहाँ जाओगे कई चीज़ें सामने आएंगी। अभी भी प्रोपेगेंडा चल रहा है, पावर इज़ पावर, आपका जो ना आपके पास जब तक पावर है तो आप उसको कहीं ना कहीं, जब आप कहते हैं कि 60% आपके पास इख्तदार है तो इसका मतलब है 60% आपके पास पावर है, पॉलिटिकल पावर है, उसको यूज किया जाता है। दलाल तो इनके पास ये है, तो कहाँ रहेगी, कौन सी राह पे चले, आदमी कहाँ गुमगुश्ता रहा है। तो फिर मैं फिर आप ये फिर कहने उस तरफ क्लैरिटी है, ये उस तरफ भी क्लैरिटी नहीं है। नहीं देखें क्लैरिटी तो ये तो आके बैठ गए, इनको वो गए चले ना चले, खाली देखें एक खाली जगह पैदा की है। जनरल बाजवा ने जिस तरह कहा, हम नहीं कह रहे ये बात, जनरल बाजवा ने खाली जगह पैदा की है, किसको बैठाया है, और वो भी जो है आरजी इंतजाम है उनका, समझे ना। और इंतजाम कब तक बरकरार रहेगा भाई, क्योस डालते ना क्योस डालते, इतना क्योस, यहाँ पे आपकी हुकूमत नहीं चल पा रही, ऑपरेशंस नहीं हो पा रहे, आपके माशी हालात मुश्किल में, तो फिर ये इलेक्शन कोई तो हद होगी ना। देखिए ये लोग इलेक्शन चाहते हैं, जो ये कह दे कि उनका जो कायनात में सबसे बड़ा दुश्मन है वो इलेक्शन कमिश्नर है, कराने वाले अथॉरिटी, उसको जो है दीवार से लगा दिया। और इसके अंदर इस पर बात नहीं की उन्होंने, ये जो परवेज मुशर्रफ, ये परवेज मुशर्रफ के साथी थे ना, तो परवेज इलाही भी परवेज मुशर्रफ के साथी याद आ रहे हैं, बड़े सारे साथी जो आपको मिलेंगे। लेकिन आखिरी सवाल जाएंगे साहब जी, जी ये जो सूरत हाल है, अगर मैं एक मफरूजे के पर चले जाऊं कि पंजाब की असेंबली तहलील हो जाती है, केपीके की असेंबली तहलील हो जाती है, इंतखाबात हो जाते हैं, बेनिफिशियरी कौन होगा इस सबका? और नून लीग के इसके बाद अगर मैं ये समझूं, चूंकि खुद तहरीक इंसाफ क्लेम कर रही है कि उन्हें एक बड़ी लैंडस्लाइडिंग विक्ट्री मिल जाती है, नून लीग कहाँ खड़ी होगी उसके बाद? भाई देखें आप ये कि नून लीग और ये गेम खत्म हो चुका है, अब ये है कि इलेक्शन जो होंगे वो आजादाना होंगे, जाहिर है कि एस्टेब्लिशमेंट तो जो है न्यूट्रल की बात है। अगर नहीं आपने मफरूजे में बात की है ना, आपने मफरूजे में बात की है, मैं आपको जो है वो दे दूं, फतवा दे दूं,
भाई मफरूजा होता है ना, तर्जी तो मफरूजा ही होता है सर जी, पाकिस्तान में इलेक्शन मफरूजा ही होता है, सही काम। तो जब सारी बात ये है कि मफरूजे पर हमने ये रखा है कि ये इधर जल जाएंगे, ये सब कुछ इधर जाएंगे, तो उधर क्या होगा? उधर वो इख्तदार की जो गिरे है ना, जो रगे हैं, जो जड़े हैं, उसके ऊपर बैठे हुए हैं वो, और बहुत पुराने खिलाड़ी हैं वो, वो भी इक्तदार का कोई ना कोई हिस्सा जो है ना वो हासिल। लेकिन ये उम्मीद नहीं की कर की जा रही होगी कि अगर पंजाब में तहरीके इंसाफ कामयाब हो जाती है, पंजाब में इलेक्शन अनाउंस हो जाते हैं, और मकबूलियत के एतबार से अगर देखें जो क्लेम किया जा रहा है बहुत से हल्कों की जानिब से, नून लीग को ये डर तो होगा कि उनकी सफों में जो इत्तेहाद है वो कहीं ना कहीं बिखर सकता है, और ये इत्तलात है कि नून लीग में बहुत बड़े पैमाने में दरार पाई जाती है, बहुत बड़ा जो तबका है दोनों तरफ तहरीके इंसाफ में भी नून लीग में, वो इस तरफ इंतजार में बैठा है कि किस तरफ वो कब सफर करे। तो सर दोनों तरफ ये मामला है ना, परवेज इलाही जो है ना, इस जैसे बेचारे लीडर जो हैं, जो हर वक्त जैसे कहते हैं ना दस्तियाब, हाजिर, अवेलेबल, एनी टाइम अवेलेबल, ये किसी न किसी के साथ जाएंगे, जुड़ेंगे, ऐसे और रेलिवेंस बंद हो जाते ना, 10 सीटों से रेलिवेंस नहीं कर दिया इनको, हो नहीं गए थे ये, सोचने वाले सोचते हैं यहाँ तो हर चीज मुमकिन है। जब मेरे पर आप ये बता दें, डेफिनेट बात आप कुछ कह सकते हैं, ये लोग क्या करेंगे जालिम लोग, बिल्कुल इधर कभी इस शाख पे कभी उस शाख पे, यार ये क्या करेंगे यार? सर बिल्कुल सही बात है, पॉइंट आ गया, क्योंकि मेरे प्रोग्राम का वक्त अपने खत्म पर पहुंच रहा है, हमें प्रोग्राम क्लोज करना पड़ेगा। लेकिन ये बात तो यकीनी है कि इस वक्त पाकिस्तान में जो सियासत में मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, ये नहीं कहा जा सकता कि कौन सी चीज कब हो जाएगी, ये यही चीज होगी ये हतमी नहीं है, कुछ भी मुमकिन है और कभी भी कुछ भी मुमकिन है, कोई चीज यहाँ पे फॉर लाइफ टाइम नहीं हो सकती, बल्कि ये भी कहा जाए कि सुबह है तो शाम नहीं हो सकती तो गलत ना होगा, कोई भी ऑप्शंस इस वक्त मौजूद हैं। अब देखना यह है कि इस आसाब की जंग में कौन पहले हथियार डालता है, और आखिर में कौम अगर वोट देने का मौका मिला तो किसको किसका इंतखाब करती है, ये भी बड़ा अहम होगा। इसके ऊपर मजीद इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्राम में बात करेंगे, आज के लिए फिलहाल नहीं। जंग साहब आप स्टूडियो में तशरीफ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और अपने होस्ट अपने मेजबान मनी को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन।